Hi friends, welcome to IXMB. So in today's lecture, we would see one of the important news that has come up, that SEBI joins RBI's account aggregator framework, right? But before I begin, let me tell you that this news is very important for your upcoming SEBI grade examination and RBI grade B examination. But let me also tell you ki agar aap IBPS ka koi bhi exam de rahe ho जिसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस है, देन दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम एंड देखते हैं कि न्यूज़ क्या था हमारे पास. तो न्यूज़ कुछ इस प्रकार था जो 20 अगस्त में आया. सेबी जॉइंस आरबीआईस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क टू ईज एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो न्यूज़ को तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इसमें है, अकाउंट एग्रीगेटर. इफ वी डू नॉट नो व्हाट अकाउंट एग्रीगेटर इज, अगर हमको इस वर्ड को समझने में दिक्कत हो रहा है, देन दी होल न्यूज को डिकोड करने में वी वुड फेस वेरी प्रॉब्लम. ओके, सो दैट्स अगेन ए वेरी बिग प्रॉब्लम. तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, देन वी वुड अंडरस्टैंड द न्यूज. तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इन दिस टीचर्स डे वी आर स्टार्टिंग सेबी ग्रेड ए 2023 जनरल स्ट्रीम का कोर्स विच इज ऑफ 100 डेज लाइफ शेड्यूल. ठीक है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आपको मिलेगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हो किस दिन कौन सा क्लास होगा एंड पूरा हमने कैसे प्लानिंग किया है. ठीक है, तो ये प्लान तो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा. दूसरा, लाइव क्लास मतलब दिस इज ओवर एंड अबव द कोर्स. अगर आप ये कोर्स को लेते हो तो जो कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ्स एंड बहुत सारी चीज़ जो हमारे कंटेंट मटेरियल में है, उसके ऊपर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस 100 डेज लाइव क्लास. सो दिस विल यू नो कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन एंड विल हेल्प यू टू क्लियर सेबी ग्रेड ए 2023. सो बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड कि देर इज एन स्पेशल सेशन by one of the renowned faculty, Prachi Agarwal, from 31st August to 3rd September, right? ये specifically non-finance student के लिए होगा. But ऐसा नहीं है कि finance वाले join नहीं कर सकते, finance वाले भी आओ, आप join करो Prachi ma'am के साथ, आप इन sessions को करो. This is going to help you a lot for your upcoming exam. So now let's move and let's see वॉट इज अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. तो देखो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 दिख रहा होगा, मीन्स इसमें चार लोग इन्वॉल्व हैं. इसको चार लोगों से हम चीज समझते हैं. एक तरफ होता है लेंडर्स, मतलब जिनसे हम पैसा उठाते हैं, बैंक्स हो गया, NBFC हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ मैनेजर्स हो गए. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तो उनको क्या बोलेंगे, FIU, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स. दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर. तो ये जो प्रोवाइडर है ना, ये भी ऑलमोस्ट वही लोग हो गए. बीच में बैठा हुआ है अकाउंट एग्रीगेटर, और ये ऊपर कौन है, ये हम लोग हैं. दिस इज यू, दिस इज मी. नाउ अकाउंट एग्रीगेटर काम कैसे करेगा, इस चीज को समझो. तो देखो आज के दिन में फैसिलिटी क्या है, अगर हम किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला तो सबसे पहले हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सो ऑन. तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद बैंक कुछ चेक करता है बेस्ड ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स. क्या चेक करता है, सिबिल. आपके और मेरे सिबिल रेटिंग को चेक करेगा. मतलब तो सिबिल रेटिंग को, ये सिबिल रेटिंग बनता कैसे है, ये रेटिंग बनता ऐसे है कि जब हम किसी बैंक से फर्स्ट टाइम लोन लिए होंगे, या हमारे मतलब फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है कि हमारा रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, हम कितने सारे अकाउंट यूज़ करते हैं, राइट, हमारी इनकम क्या है. तो ऑलमोस्ट इससे एक आइडिया उनको मिल जाता है कि कस्टमर कैसा है फाइनेंश इन टर्म्स ऑफ यू नो फाइनेंशियल रीपेमेंट एंड ऑल. तो तब वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दोज रेटिंग्स वो हमको लोन देते हैं, नहीं तो डिनाई कर देते हैं. बट यहाँ पे ना एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ऐसा है कि सिबिल में सिर्फ कुछ लोन का ही डेटा, मतलब देखो आप अगर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सिबिल तो एवरेज दिखाएगा, उस सिबिल में कुछ अपडेट नहीं होगा, राइट, कोई रेटिंग नहीं रहेगा. तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं है.
उसके बावजूद भी सिबिल रेटिंग इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने ये देखा जो क्रेडिट वर्दी लोग हैं, मतलब देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोन मिलना चाहिए बट उनको लोन नहीं मिलता, मतलब वो क्रेडिट वर्दी हैं बट उनको नहीं मिलता है लोन। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर का सिस्टम आया। अकाउंट एग्रीगेटर में सिर्फ बैंक का लोन का डेटा ही नहीं रहेगा, मतलब इसमें सब डेटा रहेगा। सब डेटा इन द सेंस आपने कोई बैंक से लोन लिया होगा या बैंक में कोई एफडी है, सेविंग अकाउंट है, कितना पैसा है, कितने सारे बैंक में है, सब डिटेल ये यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर के पास स्टोर रहेगा। दूसरा, एक्चुअली ये स्टोर नहीं रहेगा, ये डेटा जिस भी बैंक से आपने लिया है ना ये उसी बैंक पे रहेगा। मतलब ये कैसे काम करेंगे हम आगे समझते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर आपके पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, आपने उसमें कितने SIP कर रखा है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, कैसा इंश्योरेंस है आपका, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, आपका लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, टर्म इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सारा डिटेल्स रेस्पेक्टिव कंपनीज के पास है। तो रेस्पेक्टिव कंपनीज जो है ना वो अकाउंट एग्रीगेटर को डेटा शेयर करेगा, कब, अपने मर्जी से नहीं, जब आप कंसेंट करोगे। आप कंसेंट तो देखो हर दिन सुबह उठ के होके अकाउंट एग्रीगेटर जाओ मेरा डेटा ले लो, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना। आप कंसेंट तभी दोगे जब आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में क्या होगा, आप जब किसी बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए तो सबसे पहले आप अपना डेटा शेयर किए, मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर किए, उसके बाद आप एक कंसेंट लेटर पे साइन करोगे या डिजिटली उसको अप्रूव करोगे कि ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ कि आप जाओ, आप जाके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से आप ये डेटा लेके आओ। तो ये एक टेक्नोलॉजी टर्म्स में इसको API बोलते हैं। API के थ्रू क्या करेंगे, मतलब API क्या है इन सिंपल टर्म्स, नॉन टेक्नोलॉजी होके हम ये समझते हैं कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, है ना, शायद आप नोट्स बना रहे हो, मतलब यहाँ पे एक एनकोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो API क्या है, दो सर्वर के बीच का बातचीत है, मतलब यहाँ पे तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हो, हम दोनों इंसान बातचीत कर रहे हैं, बट API का मतलब है दो सर्वर बात करते हैं। मतलब ये अकाउंट एग्रीगेटर के पास एक सर्वर होगा, बैंक का सर्वर, NBFC का सर्वर, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस का सर्वर। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर का सर्वर है ना ये API रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब थ्रू API रिक्वेस्ट ये पूछेगा अरे भैया बैंक मुझे, मान के चलो आपका नाम राहुल है, मुझे राहुल का डेटा दे दो। वो NBFCs को भी मांगेगा, वो म्यूचुअल फंड्स वालों को भी मांगेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी, और बेस्ड ऑन व्हाट, राहुल तो दुनिया में कितने सारे हो सकते हैं देश में, बट आपका पैन नंबर तो यूनिक है, आपका आधार नंबर तो यूनिक है, तो आपके पैन आधार के अगेंस्ट में ये डेटा कहाँ से मांगेगा, सबसे मांगेगा। तो जिन सर्वर्स में आपका डेटा रहेगा वो सर्वर क्या करेगा, वापस कर देगा डेटा अकाउंट एग्रीगेटर को। अब अकाउंट एग्रीगेटर के पास आ गया, एग्रीगेटर क्या करेगा, आपने जिस बैंक को कंसेंट दिया था वो बैंक को वापस कर देगा डेटा, ये लो भैया राहुल का कच्चा चिट्ठा ले लो, देख लो। तो वो बैंक फिर आपके वो पूरे हिस्ट्री को देखेगा, आपका कितना म्यूचुअल फंड है, कौन सा इंश्योरेंस है, किस कंपनी से है, बैंक अकाउंट में कितना FD है, सारा डिटेल देखेगा, मतलब आपका क्रेडिट वर्थीनेस को देखेगा। सिंपल बात है, ठीक है, हाउ फाइनेंशियली साउंड यू आर, हाउ क्रेडिट वर्थी। देखो फाइनेंशियली साउंड का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली साउंड का मतलब आप क्रेडिट वर्थी हो कि नहीं। आप जो लोन ले रहे हो भले 5,000 का लो लेकिन उसको आप लौटा पाने का कैपेसिटी रखते हो कि नहीं। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगा एंड फिर ये लोन दे पाएगी। तो अभी के दिन में जो लोग मिस हो जा रहे थे वो मिस नहीं होंगे, क्योंकि अभी के सिबिल जो है वो स्टॉक मार्केट का डेटा कैप्चर नहीं कर पा रहा था, म्यूचुअल फंड्स का डेटा नहीं कैप्चर कर पा रहा था, इंश्योरेंस का डेटा नहीं कैप्चर, ये सिर्फ बैंक एंड कुछ ही बैंक्स का डेटा ही कैप्चर कर पा रहा था, थर्ड पार्टी का डेटा नहीं कैप्चर कर पा रहा था। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स तो नहीं, लिमिटेशंस थे सिबिल में, वो सारे लिमिटेशंस एग्रीगेटर के आने के खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें और थोड़ा सा डिटेल को देखते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर इज एन इंटर ऑपरेबल डेटा ब्लाइंड कंसेंट मैनेजर। तो देखो ये अंधा आदमी है, मतलब जो अकाउंट एग्रीगेटर का जो सिस्टम है ना दैट इज ब्लाइंड, मतलब उनको कुछ नहीं दिखता। उनका जो API है, मैंने क्या बोला API क्या है, सर्वर टू सर्वर बात करना, ये सिर्फ डेटा मांगते हैं प्रोवाइडर से और डेटा देते हैं जो इन्फॉर्मेशन सीकर है, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उनको ये देते हैं, दैट्स इट।
बस इनका काम यहीं पे शुरू होता है और यही ख़त्म हो जाता है, और ये जो डेटा है ये रियल टाइम में फ्लो करता है। रियल टाइम मतलब जब ये डेटा प्रोवाइडर देता है, मतलब प्रोवाइडर का सर्वर देता है, इसके पास आके तुरंत चला जाता है उसके पास, मतलब ये रखता नहीं है डेटा। सो डेटा ब्लाइंड कंसर्न मैनेजर, ए कैनॉट रीड कंज्यूमर डेटा, ए के पास पढ़ने या समझने की शक्ति नहीं है, दे कैनॉट रिसेल कंज्यूमर डेटा, राइट। ए एनेबल्स कंज्यूमर टू सेलेक्टिवली शेयर एंड इवन रिवोक डेटा वंस शेयर्ड। ए हैव ए फिड्यूशियरी ड्यूटी टू कंज्यूमर एंड आर RBI regulated entity sharing digitally signed and encrypted data. तो ये किस कौन रेगुलेट करता है अकाउंट एग्रीगेटर को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हमारे गाइडलाइंस पे। तो अभी जो सेबी का गाइडलाइन आया वो है क्या, चेंज क्या हुआ है? देखो चेंज ये हुआ है कि सेबी के जो रिसेंट सर्कुलर है उन्होंने सर्कुलर में बोला है कि हम अब RBI के अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं by allowing depositories, asset management companies and mutual fund houses to become financial information provider. मतलब depositories मतलब आप जब एक शेयर खरीदते हो वो कहाँ जाता है? आपके डीमैट अकाउंट में जाता है। डीमैट अकाउंट या तो CSDL का है नहीं तो NSDL का है, तो उसी को तो depositories बोलते हैं। उसके बाद asset management companies को जाता है, then mutual funds houses को जाता है। तो मतलब कल के दिन में आप जब बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको जो बैंक है वो आपके स्टॉक होल्डिंग्स को भी देख पाएगा, ठीक है, और आपके म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग को भी देख पाएगा। मतलब आप अभी कितने क्रेडिट वर्थी हो वो ज़्यादा अच्छे से डेटा उठ के आएगा। बाकी लोन वगैरह तो पहले भी देख पा रहा था, अभी भी देख पाएगा, बट सेबी तो इनको स्पेसिफिकली रेगुलेट करता है, तो सेबी ने अभी ज्वाइन किया मतलब ये लोग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बन जाएंगे, ठीक है। हु इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर? तो देखो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है इनका जो स्पेसिफिक है वो आपको मिलेगा Clause 3IX, मतलब Clause 3 एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ऑफ द RBI मास्टर डायरेक्शन टू द कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर हु फर्निश द कंसेंट आर्टिफैक्ट थ्रू एनी ऑफ द अकाउंट एग्रीगेटर रजिस्टर्ड विद RBI। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट इस पे, इसका बेनिफिट क्या है। तो आई होप इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि सेबी ज्वाइनिंग द फ्रेमवर्क इज सेट टू गिव ए ह्यूज इम्पल्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेगुलेटेड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम एज इट विल अलाउ कस्टमर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफ देयर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक पोर्टफोलियोज विद फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर सच एज वेल्थ मैनेजर, रोबो एडवाइजर्स, ब्रोकर्स एंड लेंडर्स, राइट, जो आपके क्रेडिट वर्थीनेस को बढ़ा देगा। सिंपल सा बात है। सो इससे ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। विद IXMB अनफोल्ड योर पोटेंशियल। एंड बिफोर आई से गुड बाय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RBI एंड सेबी ग्रेड ए का जो कॉम्बो कोर्स है दैट इज अवेलेबल एट फ्लैट 47% डिस्काउंट, सो डू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू दैट देयर वुड बी यू नो प्राइस हाइक फ्रॉम 1st of September 2022। सो बिफोर दिस प्राइस हाइक एंड with the help of this discount, do take the benefit if you are preparing for SEBI Grade A and RBI Grade B 2023. So thank you, prepare 50% faster with IXMB.